सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर गेमिंग में। मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं सागर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसा कि आपको पता, हमने पिछले एपिसोड में क्या किया था और भाई हमें क्या क्या भाई तकड़ी एपिक एपिक चीज़ें मिली थी। और याद है तो आपने, हमने भाई ये भी उगाए थे। और भाई मैं बहुत देर से देख रहा हूँ पर ये अभी उगी नहीं रही और ये बारिश भी बहुत देर से हो जा रही है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं भाई, मैं आज हम देखेंगे अपना भाई, मैंने देखा कि हमें बहुत सारे फार्म बनाने हैं और उसमें जो भाई बहुत सारे जो आयरन की जरूरत हमें पड़ने वाली है भाई, उतना आयरन जो हमने कल देखा था ना वो माइन में भी नहीं है। तो भाई मुझे पता चली है कि हम एक आयरन का फार्म भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत होती है बस विलेजर्स की। विलेजर्स क्या करते हैं, तो हम विलेजर की और एक जोम्बी की। तो विलेजर क्या होता है, उस जोम्बी से विलेजर डरते हैं जिससे आयरन गोलम स्पॉन होता है। और जैसा कि आपको पता ही है, आयरन गोलम को जब हम मारते हैं तो वो देता हमें आयरन। तो ऐसे बस वो चलती रहती है। तो हमें बस वही करना है कि आज हम अपने एक आयरन फार्म बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आयरन फार्म बनाए। पर उसके लिए भाई हमें देखना पड़ेंगे कि हमारे विलेज में विलेजर्स हैं या नहीं। भाई अगर नहीं हुए तो हमें कोई और सी विलेज ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमें भाई जितने आयरन की जरूरत है ना भाई, वो मिलेगा भी नहीं हमें। और नहीं अगर मिल भी गया तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सीधा आयरन फार्म ही बना लें। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो पता नहीं कितना टाइम लेंगे। तो भाई हम अभी सो भी नहीं सकते और हमारे पास देखो खाना भी कमी है। तो रुको एक मिनट, जितना भी हुआ है थोड़ा बहुत तोड़ लेते हैं। और भाई तू क्यों आ रहा है पीछे मेरे, भाई से एक दे दूँ, एक मिनट फीड, बस अब नहीं मिलेगा। ओके तो चलते हैं भाई जल्दी से। और भाई देखो, मैंने ये भी थोड़ा बहुत सही कर दिया था, देखो एक बार, है ना मस्त भाई। से देखो इसे, ये भाई, ये अलग ही दिल निकल लें इससे। तो चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं हमारी विलेज में विलेजर्स हैं या नहीं। भाई देखो इसमें भी कोई नहीं है, पर ये घर कितना मस्त लग रहा है ना, अलग ही भाई साहब। इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। ओ भाई मैंने आज ध्यान दिया, यहाँ देखो एक बार भाई साहब, यहाँ पहले भी आए थे क्या भाई, कितनी सारी गाजर हो गई हैं। चलो खाने का इंतजाम तो हो गया। ओके देखो भाई हमें कितनी सारी गाजर मिल गई यहाँ से। तो ओके भाई हमारे पास डायमंड्स हैं, अभी हमें इसे याद रखना होगा, घर पे रख के आना है। तो भाई कहीं भी नहीं मिले मुझे लेजर्स। और यहाँ पे ही वीट भी है भाई, इनसे हम वो भी ले सकते हैं ना, सीड्स जगह है हमारे पास, तो इनसे हम सीड लेंगे सबसे पहले। भाई हमें पहले मिल जाते हैं, हम भाई घर पे इतने दिनों से एक कोई भाई, वो पता है उसे तोड़ो तो अभी वो एक ही देता है सीड। तो इसकी जगह फेंक देते हैं, इसे हाथ में रख लेते हैं। ओके भाई जो 21 सीड्स मिल गए सी। तो ऐसा करते हैं, बस अभी इतने ही बहुत हैं, बाकी ले लेंगे। अभी हमें अपना सामान भी घर पे रख के आना है। और तो इसे साथ के साथ उगा देंगे। और यहाँ पे कहीं तो विलेजर भी नहीं मिल रहे भाई, हमें एक नई विलेज ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें एक, मैं सोच रहा हूँ भाई हमारे पास सैडल जहाँ तक है उसमें था। ओके तो हमें जो कल वो मिली थी ना,
बहुत सारे स्पोनर्स मिले थे, उनकी चेस्ट में सैडल पड़ा था। सैडल वो होता है कि जिसे हम एक मतलब जिसे हम लगा के ना किसी भी हॉर्स के ऊपर बैठ सकते हैं, गधे के ऊपर भी बैठ सकते हैं भाई, इसमें तो जहाँ तक गधे पे ही बैठ जाते हैं उसे लगा के, तो उससे हमें मतलब ना बैठ तो हम वैसे भी जाते हैं पर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, सैडल लगा के हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उससे ही चलेंगे, तो उससे हमारा थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि हम भाई पैदल तो आपको पता ही है कितना स्लो चलता है। तो इसमें जल्दी से सामान रख देते हैं, हमने सारा फालतू का स्टिक्स रख लेते हैं। सोख के मैंने अपना सारा फालतू का सामान रख दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये डायमंड की पैक भी रख दी, क्योंकि भाई साहब मैं नहीं चाहता कि हम वहाँ जाएँ और गलती से ही मरे, तो भाई सारा सामान ख़त्म हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे एक बार रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं, ठीक है तो चलते हैं। अब हमें नीचे सैडल निकाल कर लाना होगा, तो पानी भर लें क्या? ओके तो ऐसे ही रहने दो, चलते हैं सीधे। तो मैं आपसे सीधे सैडल के पास मिलता हूँ, मतलब नीचे वहाँ मिलता है स्पॉनर के पास। सोप के ये रहा, देखते हैं इसमें था क्या। तो इसमें एक हॉर्स आर्मर है पर हमें ये नहीं चाहिए। ओके तो इसमें ओके तो ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है। और चलते हैं भाई, देखा इसमें कल कुछ नहीं था इसमें भाई, ये तो मकड़ी का है, पर इसमें आया कैसे ये भाई? ऐसे हो जाता है क्या भाई? कमेंट में लिखना भाई साहब, मतलब ऐसा कैसे, कल तो इसमें कुछ भी नहीं था। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रुको एक मिनट भाई, एक तरफ टॉर्च लग रही है तो इससे ये रुकेंगी नहीं जहाँ तक है, मैं इसे पूरा बंद कर दूंगा ऊपर से, दोनों साइड तो बाकी टॉर्च लग रही हैं। तो हम चलते हैं सीधे भाई, पर ये इसमें आई कैसे मकड़ियाँ? सो के भाई हम बाहर निकले और अभी देखो इतने सारे मॉब्स आ गए, हम मतलब रात हो गई है, तो हमें जल्दी सो के फिर चलेंगे एक बार। सो ओके फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं नई सुबह हो चुकी है और हमारे पास चलो कोई फालतू का सामान नहीं है, तो थोड़ी सी टॉर्चेस ले लेते हैं हम भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है टॉर्चेस की। और हमारे पास थोड़ा बहुत कोल एक्स्ट्रा पड़ा हो तो कोल भी ले लेते हैं, या फिर छोड़ो उसमें से ले लेंगे रास्ते में अगर कहीं पड़ गया तो। तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो हम इधर की साइड जाएँ, या भाई कुत्ते कहाँ से आए हमारे पास? रुको एक मिनट भाई साहब, लो भाई आओ जल्दी आओ भाई, खाता नहीं है क्या? ओके भाई मुझे ऐसे नहीं खिलाना था, मैं भूल गया, मुझे इनके पास जाके फीड करना पड़ेगा इन्हें। टेम टेम भाई एक मिनट, क्या था ये भाई? ये हड्डी खाएगा क्या? टेम 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 भाई साहब, इन्हें भाई ये टेम ही नहीं हुआ। देखते हैं हमारे पास और अगर हड्डियाँ होंगी तो इन्हें टेम करेंगे जल्दी से।
भाई का हड्डी। ओके तो हमें पास तीन और हैं, सॉरी चार और हैं, सॉरी भाई साहब पता नहीं आए जा रही हैं, आए जा रही हैं। तो ओके हमें पास सिक्स हड्डियाँ हो गई हैं, तो चलते हैं भाई, भाई को जल्दी से टेम हो जाए। और तेरी भाई बच्चा है क्या भाई, टेम होगा भाई, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई, मुँह निकालना भाई प्लीज। भाई इस पर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, रुको हम दूसरे पर ट्राई करते हैं, कोई है आसपास। ओके तो ये वाला होगा जहाँ तक, ओके यहाँ तो दो दो हैं, तुम हो जाओगे टीम टीम टीम। ओके भाई रुको सेट तो जा भाई टीम, भाई एक ही हड्डी में हो गया स्टैंड, तो ये हो जा भाई, ये नहीं होगा। तो अभी हम इन्हें अपने घर में बिठा के चलेंगे, आ जाओ यार, सो के भाई साहब देख सकते हैं आप हमारे पास दो दो, इनका नाम बताना क्या रखें कमेंट में, मैं जब तक इन्हें कुछ नहीं कहूँगा बस ऐसी। तो चलते हैं हम सीधे, हमें अपना एक हॉर्स ढूंढना है पहले तो, और हम मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ इधर वाली डायरेक्शन में चलते हैं सीधे सीधे, क्योंकि उधर तो माउंटेन है, माउंटेन में तो भाई विलेज मुश्किल ही मिलनी है, तो इधर चलते हैं, खाना खाना पड़ेगा भैया। भाई गाजर निकालो और ये सबसे पहले आते हैं, ओके भाई यहाँ देखो एक बार, भाई हॉर्स मिलेगा भी या नहीं, पर उसे भी हमें टेम करना पड़ता है यार, चलो उसे तो देख लेंगे हम जो भी होगा, हम बस चलते हैं सीधे। ओके तो भाई भाई ये क्या है भाई, भाई हमारे कितनी पास है एक विलेज, ओ भाई साहब। ओके तो ये वाला जगह तो आपको याद ही है भाई, इतनी पास भाई, मजे आ गए मजे आ गए भाई साहब। तो हमारा काम तो हो, भाई कितनी सुंदर जगह है ये। ओके तो हम इसके सबसे पहले अपने, जैसा हमारी विलेज के विलेजर मर गए, तो इसमें हम दो विलेजर को एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से वो मर ना पाए, समझ रहे हो ना, मतलब इनमें से किन्हीं दो को हम पकड़ लेंगे, जैसे ये घूम रहा है इसे पकड़ लेंगे, तो मेरे पास उसके लिए एक तरीका है। तो हम मैं सोच रहा हूँ कि ये जगह देख रहे हो यहीं पकड़ लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मतलब नीचे बनाना पड़ेगा, एक मिनट में आया मैं, तो करते हैं थोड़ा सा इसे सही, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा गहरा रखते हैं, हाँ हमें थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ऊपर ले जाने पर, कोई नहीं क्योंकि उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और भी बना सकते हैं, समझ जाओ बस, नहीं तो आगे वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा।
सब टॉर्चेस चाहिए, क्योंकि भाई हम उन्हें सेव करना चाह रहे हैं। पता चली यहाँ पे हम ले आए और यहीं ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए, विलेजर भी मर गए वाले। तो ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, तो हमें यहाँ पे एक वो बनानी पड़ेगी लिफ्ट। चौक के हमारे पास वो नहीं है, एक मिनट, हमें ऊपर जाना पड़ेगा दोबारा से। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब जैसे कि हमने नीचे गड्ढा किया ना, तो ये पानी सीधा उस गड्ढे में जाएगा। देखो अब यहाँ पे नहीं आ रहा ना, तो हम यहाँ पे एक गेट लगा देंगे जिससे बस हम ही जा सकें, एक लोहे वाला गेट, तो उससे विलेजर्स नहीं जा पाएंगे और हम उन्हें यहीं के ही ब्रीड करवाते रहेंगे और भाई वो बढ़ते रहेंगे, है ना। तो जिससे हम जब भी हमें जैसे आयरन फार्म बनाएंगे, तो हम मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना या तो सीढ़ी बना देंगे और ऊपर एक कमरा बना देंगे जिसमें से एक एक करके हम विलेजर भेजते रह करेंगे, तो वो ऊपर भी कम नहीं होंगे और नीचे भी। तो उससे हमारे विलेजर जैसे ये है भाई, फिर ख़त्म नहीं होंगे, नहीं तो ये जल्दी जल्दी मरते रहेंगे। तो हमें इन्हें पता नहीं कैसे यहाँ लाना पड़ेगा। एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ इसमें ना एक ऐसे रूम बना देते हैं जल्दी से, और फिर इन्हें बोर्ड से ले आएंगे। दिखाऊंगा मैं आपको तरीका ये कैसे लाते हैं। ओके, तो गलती लग गई, गलती से लग गया गलत पे। कहाँ जा रहे हैं भाई सारे के सारे एक साथ? ओके, तो हमें यहाँ पे अब ऐसे दो लगाने, इसे ऊपर से बंद कर दो, ये तोड़ दो, सॉरी ये नहीं लगाने, हमें एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगी भाई, कहाँ मिलेगी वो? ओके, तो यहाँ से हाँ, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं भाई साहब, वो विलेजर्स भी अलग ही, कितनी सुंदर सी विलेज है। हमें यहाँ घर यहाँ वाला नहीं चाहिए था, कोई नहीं यहाँ पे भी बनाएंगे बाद में एक। ओके, तो हमने बहुत लकड़ियाँ ले ली, 4-5 हो गई होंगी, तो सीधे चलते हैं अपनी साइल जगह पे। ओके, तो हमें सबसे पहले चाहिए क्राफ्टिंग टेबल। ओके, तो उसके लॉक्स जल्दी से, फिर एक क्राफ्टिंग टेबल इसे रखते हैं भाई, क्राफ्टिंग टेबल कितने से रख देते हैं, बाद में भी काम आएगी। तो इससे हमें स्लैब्स बनवाने हैं भाई, स्लैब्स कैसे बनेंगे? ओके रे, तो हम 12 बनवा लिए स्लैब्स, ज़्यादा हैं पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये नहीं लगाना। तो ओके भाई, जैसा कि आप देख सकते हो इससे अब कोई बाहर नहीं आ पाएगा, अगर एक बार अंदर चला गया तो, मतलब मैं तो आ जाऊंगा, जैसे कि आप ये वो क्राउच करके भाई मैं भी नहीं घुस सकता। ओके भाई सही है। तो ओके, हमें बोट चाहिए, एक बोट बनाने के लिए क्या रेसिपी है भाई? हम बोट नहीं बना सकते क्या? एक मिनट, मुझे जहाँ तक रेसिपी पता है मैं देख लेता हूँ भाई, बोट किस चीज़ की बनती है? भाई बोट बनाने के लिए शवल लगता है? ओके, तो शवल बनाते हैं भाई, अब बोट बनाते हैं भाई, ये मैंने पहली बार देखा है बोट में शवल लगता है। ओके, तो हमारे भाई विलेज तो हमारे पास ही है, तो हम यहीं पे, मैं सोच रहा हूँ सो जाता हूँ एक बार भाई, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, गलती से लग गई। सो ओके, आज हमें जैसे कि आपको पता ही क्या करना है अब, तो इसे तोड़ते हैं और देखते हैं विलेजर कहाँ पे है भाई, कहाँ हो सारे? ओके, तो यहीं है पास में, चलते हैं जल्दी से इसे बिठाते हैं इसमें भाई, मुझे भी आना है। ओके, तो भाई ट्रेड थोड़ी करनी है, बैठना है भाई, मैं नहीं बैठ सकता क्या इसमें?
ओके तो बैठ गए हम। तो अब हमें इसे धीरे धीरे उसमें ले जाना है। भाई एक तो आप देख सकते हो कितनी स्लो चल रही है। ओके तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतना तो हो गया। अब हमें ये बोट तोड़नी है। ओके तो बोट टूट गई, बोट गई सीधे नीचे। तो 1 मिनट हम सीधे आयरन डोर बना सकते हैं क्या? तो क्या अभी हम डोर नहीं बना सकते, तो हमें अभी इसे वैसे ही कैद करना पड़ेगा। 1 मिनट इसे मैं नीचे गिर देता हूँ। जा के तो गया। चल भाई ओके तो यहाँ तक आ गए। अब हमें बोट दोबारा से लेनी है। और 1 मिनट तो ओके जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो हमें दोबारा से ऐसे लगाना पड़ेगा पानी ताकि ये ऊपर ना आ पाए। समझ रहे आप? क्योंकि ये ऊपर आ गया तो ये भी बाहर निकल जाएगा, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भाई भाई बाद में किस ऐसे इस बार सही लग गया। ओके तो जल्दी से हमें इसे बंद करना पड़ेगा और इसे दोबारा से नीचे लगाते हैं। और अब लाने का हमें दूसरा विलेजर अपना। भाई इससे हम निकल क्यों नहीं पा रहे? भाई जहाँ तक है निकल जाते हैं वैसे तो। चलो कोई नहीं, तो जल्दी से लगाते हैं। और हमें एक और विलेज चाहिए बस, फिर हमारा काम हो जाएगा। कहाँ दुबक गए भाई सारे? ओके वो रे, पर हमें इसे इधर लाना पड़ेगा क्योंकि हम बोट जो होती है वो बस सीधी सीधी चलती है, तो यहाँ से भाई नीचे नहीं जा पाएगी। ओके तो भाई यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या मस्त खेती हो रखी है। आ जा आ जा, चल यार चल, बोट में बैठ जा भाई। आ जा मेरी गड्डी में बैठ जा भैया, ये बैठ जाओ भैया जी। भाई भैया नहीं बैठ रहे, उन्हें डर लग रहा है पीछे बैठने से। पता तो नहीं क्यों डरते हैं भैया। भैया तुम आ जाओ, भैया बैठ जाओ भैया। 1 मिनट दो, हाँ नहीं तो इन्हें तो हम बताते हैं। भैया निकलेंगे तो आप यहीं से। अब बैठो भैया, अब दिखाता हूँ इसे। भाई टूट जा बोट, गेट पे रख दी भाई। कौन है? चल निकल 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 घर से बाहर, घर से बाहर निकल भाई, निकल ही नहीं रहे। अरे भैया बाहर निकल जाओ भैया जी। चलो चलो चलो, बाहर आपके लिए एक तोहफा है। चलो चलो, क्या नाराज वारा हो जाओ हमसे? भाई 1 मिनट खाना दे के देखें क्या। ओके तो देखो दूसरे भैया बैठ गए, चलते हैं तो इसे ही लेके। उन भैया को तो हम बाद में देखेंगे, गेट ला दो अभी। चलो फिर चलते हैं। ओके तो गाड़ी बैक में लेनी पड़ेगी हमें। भाई अपनी गड्डी है, गड्डी चलते हैं। बस ये ज़्यादा स्लो चलती है गड्डी, बाकी सब तो बढ़िया है। सो के हम पहुंच गए अपनी गड्डी लेके। एक मोड़ मोड़ना है बस हमें।
और हम बिल्कुल उसमें ही पहुंच जाएंगे भाई। उस बिल्ली की आंख देखो एक बार भाई, सर तो डर लग रहा है, पता नहीं। सीधे अंदर चलते हैं, तो सीधे अंदर करते हैं बोट को। ओके, तो लीव बोट। अब हमें बोट तोड़नी है। भाई कितनी देर में टूटी है बोट इस बार। तो अब भैया को नीचे गिरना है। भैया चलो, आपका नीचे को इंतजार कर रहा है, चलो। ओके, तो भैया आ चुके हैं। भाई इन दोनों को देखो एक बार, आओ भैया आओ। क्या खाते हैं ये, क्या खाते हैं? ये क्या दिखा दिया? ट्रेड उस, सॉरी भैया जी, सॉरी ट्रेड। ओके भाई साहब, ये देखो एक बार, ये हमें गाजरों के बदले एमरल्स दे रहे हैं भैया जी। तो भाई इनसे ये भी करेंगे, पर अभी हमें कुछ और करना है। तो गाजर फेंकते हैं पहले। भैया जी खा भी गए? ये फेंक भैया, सारी खा गए भैया गलती से। ओके, तो हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी जो मैं भूल गया हूँ। तो मैं भैया जी के लिए बहुत सारे बेड लाने पड़ेंगे। तो बेड मैं अपने, एक मिनट में मिलता हूँ, अपनी विलेज से लाने पड़ेंगे बेड हमें। तो चलते हैं। और भाई ये क्या है? मर जा मर जा मर जा भाई। नहीं वो तैर रहा है, कहाँ गया? तो मर गया, ज़ॉम्बी था ये भी। तो मैं आपको एक मिनट में मिलता हूँ, बैठ लिया हूँ एक बार। ये लगा देते हैं क्योंकि हमें पता लगे, जैसे आप देख सकते हैं इधर से वाली विलेज भी दिख रही है। तो हमें अपनी विलेज से दिख जाएगा कि हमें इधर इधर आना है सीधे। तो चलते हैं सीधे बस। तो हम बस जल्दी से सो के बेड लेके चलेंगे। इस घर में बैड ही नहीं है, तो इससे ले लेते हैं, इसमें होगा पक्का। तो इसमें जल्दी से सोते हैं और बैड लेकर चलते हैं उधर दूसरे विलेज में। ओके भाई रुक जा, एक तो खाना नहीं है मेरे पास, ऊपर से मार हो रहा है। तो एक बैड हो गया, दो, ज़्यादा से ज़्यादा ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीन, चार, भाई चार बेड तो एक ही घर से मिल गए। तो अभी शीप तो मारनी नहीं है हमें, और यहाँ से थोड़ा सा खाना ले लेते हैं क्योंकि भाई मैंने अपना सारा फूड उन्हें दे दिया था। एक मिनट, पहले ये खाएगा फिर तोड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हो भाई हमारे पास फूड की कितनी कमी चल रही है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा भाई, कमी तो नहीं चल रही।
ओके भाई, मैं गलती से इन्हें भी तोड़ रहा हूँ, जो साइड में ही लग रही हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनसे हेल्थ नहीं बढ़ती इसलिए मैं इन्हें तोड़ता नहीं हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ पर हम इन्हें अगर तोड़ेंगे नहीं, क्या पता आगे जाके किसी काम आ जाए अगर मैं इन्हें तोड़ दूंगा, तो इसलिए मैं इन्हें छेड़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी इनका इतना यूज़ नहीं पता भाई। पता चलिए हम इसे स्टार्टिंग में तो ऐसी वेस्ट कर रहे हैं और एंड में जाकर मिलती भी नहीं होंगी। तो हमारे पास बहुत सारी ब्रेड हो चुकी, वो कैरेट हो चुके हैं, चलते हैं सीधे। ओके तो भाई तुम बस यहीं पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक दो बेड और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओके तो इस घर में दो बेड हैं, दोनों तोड़ लेते हैं भाई, बाद में लगा देंगे। तो हमारे पास 6 बेड हो चुके हैं, चलते हैं सीधे उस वाली विलेज में। ओके तो भाई ज़्यादा दूर भी नहीं है वो, सो क्या हम विलेज में तो पहुंच गए, पर भाई मैं आयरन लाना फिर से भूल गया, क्योंकि हमें उस पर एक आयरन डोर लगा रहा था ना, क्योंकि उसे विलेज नहीं खोल पाते, मैं लाने ही भूल गया। ओके तो यहाँ पर आयरन है क्या भाई, देखो आयरन कॉमन हो रखा है बिल्कुल, मतलब कहीं भी मिल जाता आसानी से। तो जल्दी से तोड़ते हैं इसे, और हमें पता नहीं कितना आयरन चाहिए होगा एक डोर बनाने के लिए। तो जैसे हमें 6 वुड लगती हैं, तो हमें 6 वुड लगती हैं जहाँ तक है एक वो बनाने के लिए डोर, तो उसके हिसाब से हमें फिर 6 ही आयरन चाहिए होगा। तो हम जल्दी से ढूंढते हैं और आयरन अगर यहाँ पे मिल जाए, तो अभी हमारे पास 4 ही मिला है ना जहाँ तक है, 1 मिनट, हाँ तो 5 है हमारे पास अभी, तो हमें एक और ढूंढना है बस। तो जल्दी से ढूंढते हैं और चलते हैं भाई। यहाँ कुछ तो इधर तो नहीं है, पर यहाँ से कोल मिल गया, अच्छी बात है। आगे देखते हैं अगर आगे भी हो कुछ, भाई बस एक ही आयरन चाहिए। तो इधर तो नहीं है, पर इधर डर्ट है भाई, डर्ट हमने कल उधर भी देखी थी और इधर भी है भाई साहब। ओके भाई ये तो वही वाले भैया हैं हमारे, जो सुनते नहीं हैं, वहीं लगे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि किसी अगर यहाँ पे चेस्ट वेस्ट हो, उसमें आयरन मिल जाए तो मज़े ही आ जाएंगे, तो इसमें भी नहीं है भाई इसमें तो, पर खाने की चीज़ें तो पड़ी हैं, तो हमें कोई केव भी ढूंढनी पड़ेगी या तो। पर कोई नहीं, पहले हम जिस कान से बेड लगा देते हैं नीचे, आयरन डोर तो हम बाद में भी लगा देंगे। ओके तो मैं यहाँ फिट से आ चुका हूँ, एक और बेड लगाते हैं, सारे बेड मैं हाथ में ले लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे इधर टूट टूट जा इधर, तो हम इधर की साइड सारे में बेड ही बेड लगा देंगे। देखो भाई नहीं गया, वेस्ट आगे हो आगे, बढ़िया सारे बेड लगा देते हैं सारे के सारे। अरे भैया यहाँ क्यों रिस्पॉन्स सेट कर दिया, तो जैसा आप देख सकते हैं भाई हमने इधर एक डबल बेड लगा दिया है, और हमारे भाई एक और विलेजर आ चुका है। तो ठीक है भैया, ओके तो मैं अभी इसे बंद कर रहा हूँ ताकि ये बाहर ना आ सके, और मैं कल इसमें वो लगा दूँगा एक आयरन डोर।
शौक के फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, आज हमें एक नई विलेज मिली है ना, मिली है मतलब, है ना। और जो हमने विलेजर वहाँ पे बंद कर रखे हैं ना, उनसे जैसे कि आपने देखा तो एक विलेजर मतलब एक बेबी विलेजर तो आ गया हमारे पास, तो उन्हें हम ऐसी ब्रीड करेंगे और हम बस अपने पास दो रखेंगे, है ना, जिससे हम बार बार कर सकें। और तो और हमारे पास फिर उससे आयरन फार्म बनाएंगे। कल हम देखेंगे अगर बहुत सारे विलेजर हो जाते हैं, मतलब हमें कम से कम आयरन फार्म बनाने के लिए 3 विलेजर तो चाहिए, तो अगर वहाँ पे हो जाते हैं तो हम अपना कल आयरन फार्म बनाएंगे और वहाँ पे मैं आयरन डोर भी लगा दूँगा एक। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।